आ जाओ। एक मछली मिली हम लोगों को, उसमें हम बैठ के तैरने जा रहे हैं। अब कहाँ जाना है भाई? ताजपुर। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारा एडवेंचर काफी तगड़ा हो रहा है, एकदम बनियान में और ट्राउजर में हम जो है चले जा रहे हैं कहाँ, ताजपुर। और मतलब ऐसे वीडियो में कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे हाल में आप मेरे को आज आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है। वीडियो को बस लाइक और सब्सक्राइब मारते रहिए। आपको हम लेके चल रहे हैं ताजपुर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताजपुर, और यहाँ का जो नज़ारा है ना गाइस, यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चेंजिंग रूम से लेकर के पूरी दुकान है ना, ढाबा भी यहाँ पे सस्ते वाला खाना पीना खाने के लिए, वो सब कुछ दिखाएंगे हमको। एम्बियंस यहाँ का आप देखिए तो वो तगड़ा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, कासिम चाचू कहाँ जा रहे हैं? कासिम चाचू गाइस वो बाबू के लिए बिस्किट लाने के लिए जा रहे हैं अभी, है ना। ये तो गाइस दीघा से भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, और ऑटो वाले ने हमें कहा भी था कि मंदारमनी से जो है ना ताजपुर ज़्यादा अच्छा है। पार्किंग की बात करें गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी पार्किंग है गाड़ी वाड़ी रखने के लिए, है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर सबकी पार्किंग का हिसाब किताब है। तो गाइस यहाँ पर भी जो है ना आपको मतलब यहाँ पर ताजपुर में भी बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, लेकिन गाइस सबसे बेस्ट यही है ना कि आप दीघा आइए और दीघा में अपना स्टे कीजिए, और फिर वहाँ से जो है ना दूसरे दिन सवेरे बिल्कुल वहाँ से कोई भी ऑटो चाहे कैब बुक करके आप मंदारमनी ताजपुर घूमने के लिए चले जाइए। आपको हम डिटेल बताएंगे सारी चीज़ कैसे कैसे हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना पूरा ये बीच है, और यहाँ पर आप आइसक्रीम वाइसक्रीम सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर बैठने बैठने के लिए पूरा बनाया हुआ है इस तरह से, और यहाँ से आप समुंदर का नज़ारा जो है दोस्तों कम्प्लीट देख सकते हैं। और अब जो है हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं पानी में नहाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गाइस आप देखिएगा यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है इस तरह से आप देखिए, और दीघा सबसे बेस्ट था इसमें क्योंकि दीघा पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गाइस यहाँ से आप देखिए ये पूरा नज़ारा है ना समुंदर से बीच का, और ये कितना प्यारा लग रहा है, और लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप टाइड देखिए कितना तेज़ यहाँ पर टाइड आ रहा है, लेट भी सकते हैं बहुत तमकिन बहुत। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite. So guys, अभी जो है ना आपको हम दिखलाने वाले हैं एक जानवर, एक मछली मिली हम लोगों को, उस पर हम बैठ के तैरने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मछली, मछली। Oh my God. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. So, दोस्तों, मन करता है कि मतलब ऐसे ऐसे तो गैस ये देख सकते हैं कि पासिव है का कमाल है। तो गैस ऐसी जगह पे जो है ना आप अकेले आइए तब मजा आएगा गाइस। मन करता है बस हम रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये ताजपुर का जो बीच है ना हमारा यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया होगा हमें नहाता हुआ देख करके। तो अब हम जा रहे हैं कहीं और। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर ताजपुर में जो है ना नहा वहा करके फिट हो गए हैं, है ना। हमने कपड़ा भी यहाँ पर चेंज कर लिया। अब कहाँ जा रहे हैं भाई? शंकरपुर। उसमें क्या है? वो पार्क का घास सजा हुआ बीच का साइड में। अच्छा, तो आइए आपको हम लेके चलते हैं शंकरपुर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शंकरपुर, है ना। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए ये यहाँ का एम्बियंस है, काफ़ी खूबसूरत पार्क है। फिलहाल आप ये देखिए ये पूरी जो है ना गाइस ये पूरी रोड यहाँ पे जा रही है, ऑटो जो है हमारी इधर रुकी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में कोई रिजॉर्ट है, ठीक है। और इस तरह से जो है आगे में जाइएगा तो आगे में बीच होते हुए हम आए हैं,
और यहाँ पर देखिए ये है सामने में शंकरपुर पार्क की एंट्री। यहाँ पर हम थोड़ा सा जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं गाइस। यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर एक पूल बना हुआ है, ये देखिए है ना, काफी खूबसूरत लग रहा है। और इधर भी आप देख सकते हैं दोनों साइड में। तो गाइस यहाँ पर भी जो हवा है ना काफी तेज चल रही है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना पूरा स्टॉल है खाने पीने का, चाय वगैरह जो भी है यहाँ पर मिल सकता है ना, तो सारी व्यवस्था है। और इस साइड भी देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ पर भी कुछ बैठने की जगह है। सामने में अगर आपको हम दिखाया तो कुछ खाने पीने का स्टॉल है। और यहाँ पर भी देखिए एक छोटे से पहाड़ का ये मॉडल बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये समझिए कि एक पार्क ही बना हुआ है ना। इस साइड में आप देख सकते हैं ये पूरा काफी खूबसूरत जो है ना डिजाइनिंग किया गया है पार्क की। और पीछे में आप देख सकते हैं समुंदर है, वहाँ पर तो ऑब्वियसली हम नहा नहीं सकते हैं, सिर्फ बैठने बैठने की जगह है। शाम के टाइम यहाँ पे अगर आप आते हैं ना गाइस, तो शाम के टाइम का माहौल जो होता है ना यहाँ पे काफी अच्छा होता है। और अगर आप खाने पीने की बात करें तो आप देख सकते हैं खाने पीने का यहाँ पे होटल वोटल भी है। यहाँ पर भी अगर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो है ना इस तरह से पूरा सामान वामान मिल रहा है, खरीद सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इस तरह का पूरा यहाँ पर मतलब डिजाइनिंग यहाँ बना हुआ है ना। ये देखिए मछली है, व्हेल मछली, शार्क, इस तरह का पूरा बनाया गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये भी देख सकते हैं, और आगे में देखिए वो भी एक स्ट्रक्चर है, वहां पे बड़ी मछली बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से यहाँ सामने बैठने बैठने का बना हुआ है ना। और इधर आप इधर का पूरा एम्बियंस आप देख सकते हैं। अच्छा वो आगे नहीं गए थे भाई। और एक खाने पीने का होटल यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से एग्जिट है इसका, है ना। इधर भी आपको कुछ दुकानें वगैरह यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पर जो है हमारे कासिम चाचू जो है बिल्कुल थक चुके हैं। आप कासिम चाचू थक गए क्या एकदम? हाँ थक चुके हैं बिल्कुल, हम लोग खुद थक चुके हैं, बेचारा अजलान भी थक चुका है। दो बीच पे निकल, कैसा लगा आपको कुछ बताइए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऑटो वाले भैया वहाँ पे खड़े हैं। और अब आखिरी बार जो है ना यहाँ से आप देख सकते हैं शंकर पार्क को। तो गाइस इस तरह से हमने आपको शंकर बीच का पार्क भी घुमा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे किसी नेक्स्ट स्टॉप पे, और वो जो वीडियो होगी गाइस वो हमारी आखिरी वीडियो होगी दीघा विजिट की। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।